ईशावाशु ईशोपनिषद के इस मंत्र में जीवन के प्रति आशावादिता का संदेश दिया गया है। मनुष्य दीर्घायु बने तथा निष्काम भाव से कर्म करता रहे, अच्छे आचरण को अपने जीवन में उतारे और यह समझे कि ज्ञान कर्म के बिना निष्फल है एवं कर्म ज्ञान के बिना व्यर्थ है। वास्तव में ज्ञान पूर्वक कर्म करना ही वैदिक मार्ग है। 100 वर्ष तक निष्काम भाव अर्थात त्याग भाव से कर्म करने वाला मनुष्य है, वो उसमें लिप्त नहीं होता है। तो कुर्वन्ने वेहे कर्माणि जिजीविषे तमम समाहा एवं त्वयि न अन्येथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात इही इस लोक में कर्मणि कुर्वन् यानी इस लोक में कर्मों को करता हुआ, कर्मणि अर्थात कर्मों को और कुर्वन् अर्थात करता हुआ, यही अर्थात इस लोक में, तो इस लोक में कर्मों को करता हुआ एव यानी ही शतम समा 100 वर्ष तक जिजीविषेत यानी जीने की इच्छा करता रहे एवं इस प्रकार आचरण करने पर त्वयि नरे करने पर मनुष्य में जो कर्म है वो लिप्यते लिप्त नहीं होते, इतः अन्यथा नास्ति और इस मार्ग से शेष कर कोई मार्ग नहीं है। तो इस लोक में जो मनुष्य है उसको कुर्वन्नेहि कर्माणि कर्मों को करते हुए ही जिजीविषेत यानी जीने की इच्छा करनी चाहिए, सोमा अर्थात 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए और इसके सिवा कोई और मार्ग नहीं है। ऐसा करने से कर्म का लोप लेप नहीं होगा, अशुभ कर्मों का लेप नहीं होगा। कर्म करते हुए और कर्मों में लिप्त होने का यहाँ पर मार्ग बताया गया है कि कर्म भी करो और उनमें लिप्त भी मत हो, जो कि भगवत गीता के निष्काम कर्म योग के रूप जो कि भगवत गीता में निष्काम कर्म योग के रूप में प्रतिपादित किया गया है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह, इस भावना को भी यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है और इसी प्रकार की भावना इस यूनानी सूक्ति में भी उपलब्ध होती है कि उद्योगी पुरुष कर्म में आसक्त नहीं होता। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 25-25 वर्ष के 4 आश्रम मानने से ज्ञात होता है कि उस समय मनुष्य की औसत उम्र 100 वर्ष की मानी जाती थी। अनेक स्थानों पर ऋषियों द्वारा 100 वर्ष तक जीने की कामना वैदिक साहित्य में की गई है, इसलिए यहाँ पर जिजीविषेत शतम समा में इसी भावना का यहाँ पर बताई गई है। इस मंत्र में बताया गया है कि मनुष्य को किसी भी स्थिति में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि जीवन है वो संघर्ष का ही नाम है। इस मंत्र में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाले लोग घोर दुखमय जीवन वाले जन्म को प्राप्त करते हैं। आत्महत्या शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। मानव जीवन सचमुच में अत्यंत दुर्लभ है। पता नहीं कितनी योनियों में भटकने के बाद प्राणी को यह शरीर मिलता है। तभी तो कहा गया है नहि मानुषात् श्रेष्ठतरो हि किंचित, अर्थात मनुष्य से बढ़कर मनुष्य के जीवन से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। मंत्र देखिए, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्म हनो जना। तो ये के ने जो कोई ये के च जना जो कोई आत्महने अर्थात आत्मघाती मनुष्य होते हैं जो स्वयं को मार देते हैं ते वो मर करके उन लोगों को प्रेत्य तान अभिगच्छति मर करके प्राप्त करते हैं यानी बे असुर संबंधी लोक आत्मा के आदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं,
तो जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले हैं वे आत्मघाती जीव मरने के अनंतर उन्हीं लोकों में जाते हैं, और अर्थात जो कोई भी आत्महत्या अथवा आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं वे निश्चित रूप से प्रेत लोक में जाते हैं। तो ते नाम लोका असुर्या अंधेन तमसा आवृता, यानी प्रगाढ़ अंधकार से ढके हुए और लोक में जाते हैं। वे प्रदेश या स्थितियां निसंदेह नाशक अर्थात दुखदाई और गहरे अंधकार से आच्छादित हैं। उन लोगों को मरकर वे लोग प्राप्त करते हैं जो आत्मघाती मनुष्य होते हैं। अर्थात असुर्य नाम के उस असुर्या नाम ते लोका असुर्य नाम के उस लोक में अंधेन तमसा व्रता, अंधकार से आवृत, तमसा यानी गहरे अंधकार से आवृत उस लोक में वो मर करके जाते हैं जो आत्महत्या करते हैं। इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में आत्महत्या का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, जो क्योंकि मानव का जो शरीर है वो अन्य शरीरों से श्रेष्ठ तथा परम दुर्लभ है। यह जीवन जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र में से तरने के लिए प्राप्त होता है। ऐसे शरीर को पाकर जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के निमित्त समर्पित नहीं करते तथा कामोपभोग को ही जीवन का परम लक्ष्य मानकर विषयों की आसक्ति तथा उनके यथेच्छ भोग में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले हैं। ऐसे कामोपभोग परायण लोगों को संसार में चाहे कितना भी विशाल नाम यश वैभव या अधिकार प्राप्त हो जाए, मृत्यु के बाद कर्मों के फलस्वरूप पुनः पुनः कूकर शूकर कीट पतंग आदि विभिन्न शोक संताप पूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ता है। इन्हीं का नाम असुरिया लोक है। यहाँ पे आया है ये असुरिया लोक कौन से कहलाते हैं कि वो ही है कौन से जो कर्मों के अनुरूप पुनः कूकर शूकर कीट पतंग आदि विभिन्न शोक संताप पूर्ण जो आसुरी योनि है उन्हीं भयानक नरक में भटकना पड़ता है। ये आसुरी स्वभाव के दुष्टों के लिए निश्चित किए गए हैं। ये लोग महान अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित हैं।